Maga Nagori. Maga Naviri. Maga Naviri. Yeah. और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। प्लेस किगाली, रवांडा, अफ्रीका। आज है अफ्रीका के अंदर मेरा दूसरा दिन। मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ किगाली का एक लोकल मार्केट। बड़ा फेमस मार्केट है, यहाँ के जो लोकल्स हैं वो मोस्टली बल्क के अंदर सामान खरीदने वहीं पे जाते हैं। तो मेरे पास दो ऑप्शन है वहाँ तक जाने के लिए। एक है कि मैं यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करूँ, लेकिन उसके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो जो दूसरा ऑप्शन है मोटो टैक्सी, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। अभी एक चौराहे के ऊपर जा रहा हूँ, वहाँ से मुझे एक वहाँ से मुझे एक बाइक मिल जाएगी और उस बाइक वाले भाई के साथ मैं उस मार्केट की तरफ सफ़र शुरू कर दूँगा। उस मार्केट का नाम है किवरोंको मार्केट। किवरोंको मार्केट, यस। हाउ मच? 1000। या माय फ्रेंड, हाउ फार इज इट? बाइक वाले भाई साहब मिल गए हैं और इनके साथ मैं मिल के जा रहा हूँ किवरोंको मार्केट। व्हाट्स योर नेम ब्रदर? Anastas. Okay. Давай. मार्केट तक जाने के लिए I'm paying 70 rupees. 70 रुपये फॉर 7 किलोमीटर। भाई बड़ी ग्रीन कंट्री है यार। किवरोंको मार्केट, मार्केट के पास पहुंच गया हूं मैं। यहां पे इन भाई साहब ने मुझे ड्रॉप किया है। 1000 रवांडन फ्रैंक लगे मेरे। ब्रदर यू हैव चेंज? 5000 1000। मैंने चेंज मांगने गया और चेंज दे दिया मेरे को। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, बाय बाय। तो यहां पे मैं आया हूं किवरोंको मार्केट के अंदर। ये मान लीजिए किगाली का वन ऑफ द मोस्ट फेमस मार्केट है और एक मार्केट के साथ भी मेरा एक्सपोजर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो बाइक वाला सीन है वो बड़ा ही मस्त है भाई, बहुत तगड़ा है। बांग्लादेश में ढाका के अंदर जितने रिक्शे हैं ना, सेम सीन यहाँ पे बाइक के साथ है। और 90% बाइक जो अभी तक मैंने देखी है दे आर TVS GLX, जो इंडिया में देखने को नहीं मिलती लेकिन यहाँ पे धड़ल्ले से बिक रही है। हेलो, व्हाट्स योर नेम? मार्केनिस। ओके, बाय बाय। कई लोग मेरे को देख के थोड़ा सरप्राइज भी हो रहे हैं, कई लोग खुश भी हो रहे हैं और कई लोग एकदम शक की निगाहों से भी देख रहे हैं। तो सारे जो इमोशन है ना वो एक साथ आ रहे हैं। अफ्रीका के अंदर है ना, आप मोबाइल से शूट करोगे तो थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो इसलिए मैं प्रेफर कर रहा हूँ GoPro से शूट करना। कम लोगों का ध्यान मेरी तरफ जाए और मैं थोड़ी अच्छी एक्सपीरियंस हो सके, क्योंकि अगर आप फ़ोन से शूट करोगे तो सामने वाले को 99% पता चल जाएगा कि आप वीडियो बना रहे हो। लेकिन इसके साथ थोड़ा सा उनको तो पैट्रिक भाई यहाँ के इस मार्केट के हेड ऑफ द मार्केट इन मैन पावर। भाई एक अलग ही माहौल और मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा है कि लोग मेरे को रोकने वोकने ना लग जाए कि वीडियो मत बना। लेकिन जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करोगे तो आप चीज़ों को पहचानोगे कैसे। कच्चे कच्चे केले दिख रहे हैं, तरबूज दिख रहे हैं, आलू आलू सब। हेलो, हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? वेलकम, यस, थैंक यू। लोग तो फ्रेंडली हैं भाई, मेरे को अप्रोच भी कर रहे हैं। थोड़ा अलग टाइप का मार्केट भी और मेरे दिमाग के अंदर अलग अलग इमोशन आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा कैसे उसमें समझा नहीं पाऊंगा यार। यहाँ के लोगों को कोई गलती नहीं है, वो मेरे को दबा के वेलकमिंग नेचर के हैं। लेकिन बस जो प्री डिटरमाइंड आपके दिमाग में चीजें होती है। You good? Hey man, how are you? Yeah, I'm good. My name is Richard, sir. Richard? Yeah. Nice to meet you, man. Nice to meet you too. Yeah, I'm working here on this market. Yeah. And I'm a designer too and I do have nice shop for like African style. I think ek bhai ne mujhe approach kiya hai, wo apni dukanon ghar mein leke jayenge. How you say thank you in Rwanda? We say murakoze. Murakoze. Yeah. You from India? Oh, you live in France. Yeah. Got you, man. Yeah. How are you, mister? Make, my name is Mamik. Make me the one after him. This is my store. Uh-huh. This is what I have. I sing this one. Brother, give me a good price. 2000. तो भाई साहब ने
एक अपनी चीज़ें बिक्री करने का मस्त रास्ता ढूंढा हुआ है। वो मेरे पास आते हैं, मेरे को अप्रोच किया, कैन यू भाई मुझे एक ये बैंड बना रहे हैं, अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये। Just if this take a video. Yeah. Get my number. Okay, okay. Get my number. Thanks, man. Okay, can you give me number? Yeah. पहले वाले भाई के साथ क्या हुआ, मैंने पूछा कि रवांडा का है ना, तो बोले हाँ, लेकिन उस भाई ने मुझे कोंगो का पहना दिया। और अब यहाँ पे गोड भाई बता रहे हैं कि this is from Rwanda. This one is from Rwanda. Yeah, from Rwanda. Can you put in my hand? Rwandan ga kongo. Agakomo ku Rwanda. You can repeat it. Agakomo ku Rwanda. Murakoze amule. Can you visit me here? Murakoze amule. Murakoze. Yeah, I've seen it before. I've seen this. भाई हर कोई बुला रहा है कि आप हमारी इधर देख लीजिए, हमारी शॉप पे आइए, हमारी शॉप को देख लीजिए, अलग सा ही माहौल बना हुआ है। तो यहाँ पे लोग सोवेनियर खरीदने आते हैं, यहाँ पे लोग सब्जी खरीदने आते हैं, यहाँ पे लोग अपनी रोजमर्रा की चीज़ें खरीदने आते हैं, परचून से लेके सब चीज़ें मिलेंगे आपको। ये मेरे को याद दिला रहा है उज़्बेकिस्तान में एक मार्केट था ताशकंद के अंदर ही, एग्जैक्ट उस मार्केट का नाम तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन वहाँ पर ऑलमोस्ट सेम रिजेम्बलेंस दे रहा है मुझे उसी मार्केट टाइप का। यहाँ पे आपको चप्पल जूते सब कुछ मिल जाएगा। और सबसे मज़ेदार बात क्या है कि हर कोई आपको अप्रोच कर रहा है कि आप एक बार आप चीज़ें मत खरीदिए, बस एक बार आप हमारी दुकान में आ जाइए। लोग काफ़ी फ्रेंडली हैं यहाँ पे, इवन दो उनको फ्रेंडली होना भी पड़ेगा यार, क्योंकि मार्केट फोर्स। ब्रदर वेयर इज रेस्टोरेंट? या आउटसाइड। हाउ यू से थैंक यू इन रवांडा? किन्यारुगांडा लोकासे या किन्यारुगांडा यू Di curiaio Sridio. Sridio? Yes. Morakase. Morakase, yeah? Morakose. Morakose. Yeah, Morakose, brother. So, Rwanda ke andar thank you ko bolte hain Morakase. और मोरक्वा से के आगे एक वर्ड और लगता है कि उस थैंक यू को जैसे बहुत बहुत धन्यवाद टाइप बनाने के लिए, वो वर्ड मोरक्वा से अली समथिंग था, अभी बताया था मुझे लेकिन भूल गया मैं। जैसे मार्केट के अंदर आ गया हूँ, थोड़ा एक बार बाहर जाके ऐसा था थोड़ी बहुत एकदम फ्रेश हवा आ जाए। और इधर एक ये दीदी हैं जिन्होंने अपनी दुकान के आगे इस टाइप के सोविनेट्स या फिर हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स लगा रखे हैं। दिस इज अफ्रीकन क्लोथ या? यस। इट्स मेड इन अफ्रीका और इट्स कम फ्रॉम आउटसाइड अफ्रीका? अफ्रीका के अंदर ये लग रहा है कि जो फैब्रिक है ना थोड़ा अलग टाइप का, थोड़े चमकीले टाइप कपड़े ज़्यादा पहनते हैं यहाँ पे। मोरक्वा से मोरक्वा से थैंक यू मोरक्वा। ये भाई आप मार्केट का स्केल देखिए, लेकिन दुकानें बहुत छोटी छोटी हैं, सोविनियर्स हैं। नो थैंक यू मोरक्वा से। या आई विल बी बैक व्हेन आई विल गो। या ओके मोरक्वा से। यस व्हाट्स योर नेम? लुइस। ओके मोरक्वा से। What's your name? Esta. Esta? Yeah. What's your name? Dipanshu. Dipanshu. Yeah. Oh, nice to meet you. Nice to meet you. You're from Kigali or you're from... Kigali. From Kigali. Yeah. Yes, city is very beautiful. Yeah, thank you. इस मार्केट के माहौल को देख के है ना मन एकदम अलग टाइप का हो गया है। हर कोई आपको अप्रोच कर रहा है, ढंग से बातें कर रहा है, प्यार से बोल रहा है, हर कोई वेलकमिंग टाइप में है। किसी ने मुझे ऐसा नहीं बोला कि हमारे साथ वीडियो मत बनाओ या फिर ऐसा। आजकल अपने इंडिया में भी जो अवोकाडो है ना वो ज़्यादा ही फेमस हो रहा है, और यहाँ पे अवोकाडो एक अलग टाइप में और बहुत बड़े बड़े, इतने मैंने इंडिया और दुबई में तो देखे नहीं रहे। यहाँ पे शकरकंदी बड़ी बड़ी, पता ही नहीं क्या क्या चीज़ें जो मैंने आज तक कभी देखी नहीं थी वो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। आप केले का साइज़ देखिए, इधर सब आलू। अरे केले खरीदते हैं। Are you yours? Yeah. How much? 1,500. Half? Half? Half. Yeah. Half. No half. For 800. Yeah. Okay. They give me this. Morakwa se. Logo pak chala. Pincha. Abo karta kaise zona kaho? Hey. Toka musa karo. Hey. Thank Morakwa se. Hey. Thank you. Me too. What's your name? तो यहाँ पे इन ओदित जी से मैं मगा नगोरी मगा नबीरी मगा नबीरी 200 ये है 100 के 100 रवांडन फ्रैंक के कॉइन, इनको मगा नबीरी बोलते हैं। और यहाँ से एंड इन रवांडा नो प्लास्टिक बैग, नो प्लास्टिक, प्लास्टिक बैन। No, no, it's okay. No problem. No problem. I'll take in the hand. It's very good. Very good. From Rwanda? Yeah.
मोरक्को से आलू बोलने वाला था, ये केले खरीद लिए उन आंटी से, 800 के आए हैं, 800 रवांडन फ्रेंक है, थोड़े बहुत महंगे हैं लेकिन इसको गैर चलता है यार। अभी थोड़े बहुत केले वेले खाऊंगा, उसके बाद मार्केट को थोड़ा और घूमूंगा और फिर मैं अगली जगह को एक्सप्लोर करने निकल जाऊंगा। एक जगह बैठ के थोड़े केले वेले खाते, लेकिन बैठने के लिए जगह कहाँ मिलेगी। यहाँ पे अपने मोची भाई कुछ इनको ठीक भी कर रहे हैं। Yeah? तो भाई जो मेरे पास केले वेले थे उन सबको मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि इतने में केले मेरे से खाए नहीं जाते, 3-4 मैंने खाए, बाकी इधर ये जो भाई भाई थे इन सबको दे दिए। हेलो हेलो ब्रदर, हाउ यू से हेलो इन रवांडा? हेलो या मुराहो? या मुराहो? मुराहो मुराहो। या दिस इज कैमरा कैमरा yeah. मार्केट के दूसरे सेगमेंट में आ गया हूँ, केले वेले खा के और भाइयों को केले खिला के। तगड़ा मार्केट है और वही एकदम अफ्रीका वाला जो म्यूजिक होता है ना टिपिकल, वो पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है, मस्त आवाज आ रही है, नाचने का भी मन कर रहा है इधर। मटर मिर्ची आपको जो चाहिए वो मिलेगा इस मार्केट के अंदर। Hello brother, how are you? Fine. You good? मानना पड़ेगा कि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा वेलकमिंग है। चलो ठीक है, मैं 100 मिनट्स दुकान को छोड़ देता हूँ कि वहाँ पे लोग ऑफ कोर्स आपको लेके जाएंगे कि भैया हमारी दुकान पे ये चीज़ खरीदो वो खरीदो, लेकिन बाकी दुकान वाले भी जब भी अगर मान लो किसी सब्जी वाले के पास भी जा रहा था ना, वो बड़ा एक्साइटेड होकर दिखा रहा था कि देखो मेरे पास ये है मेरे पास वो है। अब तक सारी चीज़ें मस्त जा रही है। मैंने शायद आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरे को जो टिपिकल अफ्रीकन लाफ है ना बड़े प्यारे लगते हैं यार, वो अपनी हंसी को ना बहुत लंबा खींचते हैं। ऐसे लेके जाते हैं ना तो वो अलग फील देता है ये। तो अब तक मेरी ये जो अफ्रीकन ट्रिप है, रवांडा की ट्रिप है, बहुत मस्त जा रही है। अभी इस मार्केट को एक्सप्लोर करके निकला हूँ, मार्केट के पीछे वाले एरिया में आ गया हूँ और भाई मानना पड़ेगा मार्केट का जो एक्सपीरियंस था वो थोड़ा अलग टाइप का ही था। और मार्केट के जस्ट पीछे ही एक बस स्टेशन है, यहाँ पे एक बार मैं ये पूछ के भी आ रहा हूँ कि कल मुझे किगाली से बाहर निकलना है, वैसे जाने का बस से या फिर गाड़ी के थ्रू, और आते टाइम मैं करूँगा हिच हाइकिंग, ताकि एक बार यहाँ का जो माहौल है उसके साथ एडजस्ट हो जाओ और बाकी चीज़ें समझ पाऊँ। धीरे धीरे आप लोगों के साथ मैं यहाँ के तगड़े वाले एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। जो लोग मार्केट के अंदर जा रहे हैं ना यहाँ पे हैंड वॉश करके जा रहे हैं। रवांडा के अंदर कोविड स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पर एक रूल बना देते थे, जहाँ पे भी आप जाओगे हर जगह पर आपको हाथ हाथ वॉश करके जाना पड़ेगा। जिस कंपनी की मैंने सिम खरीदी थी उसी की ये बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हुई है। हेलो, कैन आई बस फाइंड अ बस टू कियावू लेक? लेक लेक कियावू दिस साइड? ओके दिस साइड, ओके थैंक यू। यहाँ पे लोग शायद समझ रहे हैं कि मैं पूछ कह रहा हूँ। यह भाई एक लोकल बस ट्रांसपोर्ट, अरे लीलैंड की बस। इंडियन और चाइनीज कंपनी यहाँ पे आपस में कंपटीशन कर रही है कई कई चीज़ों में, जैसे लीलैंड की बस है, लीलैंड की बस के जस्ट साइड में चाइनीज कंपनी की बस है। यहाँ पे शायद कोविड वोविड टेस्ट हो रहा है क्या? बस स्टैंड पे चीज़ें तो समझ नहीं आई मेरे को, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ दूसरी जगह को एक्सप्लोर कर लें। वहाँ पे कोई ना कोई बंदा ऐसे मिलेगा जिसको मैं पकड़ के उससे ढंग से समझूंगा कि भाई यहाँ पे बसेस कैसे काम करती हैं, मैं बस की टिकट कैसे करवा सकता हूँ या फिर डायरेक्टली मुझे बस स्टैंड पे जाके टिकट करवानी होगी। ये मैं आज शाम तक पता लगा लूँगा, अगर नहीं पता लगा पाया तो कल मैं निकल नहीं पाऊंगा यार। एक बार मैं थोड़ा बस में चढ़ के माहौल देखना चाह रहा हूँ यार, यहाँ पे चीज़ें काम कैसे करती हैं। जैसे जैसे समझता जाऊँगा वैसे वैसे सारे एक्सपीरियंस भी लेता रहूँगा, और एकदम ही ज़्यादा एक्सट्रीम में घुसूँगा तो बेफाल। पहले चीज़ों को समझना यार मुझे कि अफ्रीका में चीज़ें काम कैसे करती हैं। अब तक थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ आई है मुझे। ये देख लीजिए, ये चाइनीज कंपनी की बस है, पीछे वाली भी चाइनीज कंपनी की बस है। अगर ये बस होने वाली है ना भाई, ये बस तो ठुक के चल रही है एकदम। तो बस यार अब मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ। बाय बाय।